नमस्कार, आप देख रहे हो जय टीवी भारत। 5 और 6 अगस्त को नारायणी हाइट्स अहमदाबाद में ओशन ऑफ ब्लेसिंग्स फाउंडेशन विशेष रूप से 2 दिवसीय हैप्पी फेस्ट 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और जरूरतमंदों की सेवा करने के उद्देश्य से ओशन ऑफ ब्लेसिंग्स फाउंडेशन नारायणी हाइट्स अहमदाबाद में 5 और 6 अगस्त को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक 2 दिवसीय हैप्पी फेस्ट 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जितना संभव हो सके समाज के वर्गों की योजना बना एक्शन पैक दिन भी है, कहीं पे एग्जीबिशन हो रही है, कहीं पे हम मिस एंड मिसेस गुजरात भी कर रहे हैं। मेरा नाम है सुमन चिलानी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ओशन ऑफ ब्लेसिंग्स फाउंडेशन। इस फाउंडेशन के अंदर में हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका नाम है हैप्पी फेस्ट। इसमें एग्जीबिशन हो रहा है, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे किड्स फैशन शो हो रहा है, डांस कॉम्पिटिशन हो रही है, कुकिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, इसके अलावा तंबोला, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे प्राइजेस देने वाले हैं। टू बिग थैंक यू टू माई एंटायर टीम एंड एवरीवन। हाय, मैं हूँ करण मेहरा और यहाँ पे आज मैं एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट आया हूँ सुमन के लिए फॉर द हैप्पी फेस्ट। ओशंस ऑफ ब्लेसिंग्स फाउंडेशन जो है इसमें भी सुमन काफ़ी टाइम से काम कर रही हैं। स्मॉल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हैप्पी फेस्ट पे जोड़ा है, जहाँ आज 800 जो पिछले साल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स थी वो बढ़कर 2000 से ज़्यादा हो गई हैं, जुड़ गई हैं। एंड आज यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी लगे हैं, वी जस्ट वेंट इनसाइड एंड सबको मिलके भी आए। सो आई एम रियली ग्लैड टू बी हियर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दी कॉम्पिटिशन आर गोइंग टू हैपन टुडे। आज कुकिंग का कॉम्पिटिशन है, मिस एंड मिसेस गुजरात का कॉम्पिटिशन है, तंबोला भी खेलेंगे, काफ़ी सालों से तंबोला खेल रहे हैं हम लोग भी। एंड इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू कम बैक एंड डू समथिंग लाइक दिस टू हेल्प पीपल ऑल्सो। हैप्पी फेस्ट एक बहुत ही प्यारा नाम है, तो खुशियाँ बांटने हैं लोगों के साथ। एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, नेटवर्किंग करते हैं, एंड इट्स वेरी नाइस थॉट जहाँ पर वुमेन जो हैं, जो घर से ऑपरेट करती हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे कैन कम हियर एंड अपने स्टॉल्स में जो जो हुनर है, जो जो उनकी सोच थी, उसको बिजनेस के तौर पे सबके सामने लेकर आ रहे हैं। और लोग भी यहाँ पर आएंगे, 2 दिन का ये फेस्ट है एंड आई एम हियर ऑल्सो टुडे एंड टुमारो एंड जस्ट गोइंग टू एंजॉय विद सुमन एके। एंड बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आके हंस खेल के इस फेस्टिवल में पूरा दिन बिताते हैं। सो नाइस टू बी हियर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, एंड साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी भी है, सो 10 to 8 फिफ्थ एंड सिक्स अगस्त आज एंड कल जो होने वाला है, सो इट्स अ फ्री एंट्री फॉर एवरीवन। प्लीज़ आप आइए, जितनी आप शॉपिंग करेंगे, जैसे हमारे स्टॉल में 13 साल के बच्चे भी हैं, 1-2 स्टॉल हैं जहाँ पे 13 साल के बच्चे हैं। इसके अलावा जिनकी मैं कहूँगी दिल की रोशनी ज़्यादा तेज़ है आँखों की रोशनी से, तो उन्होंने भी स्टॉल लगाया हुआ है। लेट्स कम, लेट्स सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच करण फॉर बीइंग हियर। सचिन खटवानी हु इज़ अ फाइनलिस्ट ऑफ मास्टर शेफ, ए के रहमान जो लव गुरु रह चुके हैं एंड फाइनेस्ट एंकर हैं हमारे कंट्री में, अभी भी लव गुरु ही बन के घूम। करण, तुम क्या शॉपिंग करने वाले हो ये एग्जीबिशन में? देखिए, मुफ्त तो यहाँ पर लगा ही हुआ है कि आगे ये मुफ्त में करण भी आपको दिख जाएगा। और एक्चुअली लोगों का इतना प्यार है कि वो मुझे कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो दे ही देते हैं। बट यस, कुछ अच्छा लेगा तो जरूर खरीदेंगे। बिल्कुल, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ टू डू लॉट ऑफ शॉपिंग, सो लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और आप सब मेरे को जानते होंगे थ्रू मास्टर शेफ इंडिया। मैं मास्टर शेफ इंडिया सीजन सेवन का सेमीफाइनलिस्ट हूँ। हाय, मैं हूँ एक रहमान, मैं एक एंकर हूँ, एक रेडियो जॉकी हूँ, शोज़ किए हैं दुनिया भर में 3000 से ज़्यादा 79 कंट्रीज़ में, प्लस एक ज़माने में मेला पर बढ़ता था, तो दैट्स माई आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ओशन ऑफ ब्लेसिंग्स की जो बहुत ही प्यारी सी पेशकश है हैप्पी फेस्ट, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इट इज़ अ वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी। यानी सबसे प्यारी चीज़ ये है कि ओशन ऑफ ब्लेसिंग्स इतने सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक मौका मिलता दे रहा है कि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाए, नेटवर्किंग करें, एक दूसरे से मिले और जिस लेवल पे है उससे कहीं ऊपर उठे और अपने जो बिजनेस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाए। सो इट्स अ वेरी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। एंड जहाँ तक हैप्पी फेस्ट का सवाल है, नाम में ही सब कुछ है, सुमन चलानी ने बहुत ही अच्छी चीज क्यूरेट की और बहुत अच्छी चीज बनाई है अहमदाबाद के लिए, फिल ऑफ अहमदाबाद के लिए। मेरे ख्याल से विल स्प्रेड दिस टू द होल ऑफ द कंट्री। एंड सबसे खास बात हैप्पी फेस्ट नाम में ही है कि ये खुशियों का मेला है। तो सुमन चलानी ने
ओशन ऑफ ब्लेसिंग्स के अम्ब्रेला के तहत इसको जो क्रिएट किया है वो इसलिए किया है ताकि सबको एक मौका मिले कि वो यहाँ पे आए, बिजनेस को आगे बढ़ाएं, उसके साथ साथ खुशियां बांटें, यानी एक दूसरे के साथ आप मिलें, बिजनेस करें। एंड स्टेज पे जो हो रहा है वो मैं, सचिन है, करण मेहरा है, सुमन चिलानी है, हम सारे लोग मिलकर ऐसी चीजों को पेश करने वाले हैं जो हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी। दैट्स द वर्ड, हैप्पी फेस्ट। मेरा कैफे है वफ़ल 27 राधे फॉर्चून बाट अहमदाबाद में, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। क्या क्या वेराइटीज़ बनाते हैं हमारे वहाँ पे? एवरीथिंग है, चाट सेक्शन है, वफ़ल्स हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, मोमोज़ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की वेराइटीज़ हैं वहाँ हमारे कैफे पे। आपका यानी कैसे स्टार्ट किया, जर्नी क्या रहा था? जर्नी एक्चुअली मेरा ड्रीम था कि मुझे कैफे स्टार्ट करना है। मैंने कहीं जगह बहुत जगह पे वर्क किया था, एक्सपीरियंसेस लिए, काफ़ी रिसर्च किया, उसके बाद मुझे ये कैफे मिला 5 मंथ्स अगो, तो मैंने उसको परचेज किया, तो आज मैं कैफे की ऑनर हूँ। और कोई ब्रांच या नहीं? हाल फिलहाल ये यहीं पर, ये बाट में है हमारी ब्रांच। नेक्स्ट ईयर हमारी ब्रांच खुलेगी HL पर। यस, कितना ब्रांच खोलने की आपका ड्रीम है? मैं चाहूँगी ऑल ओवर वर्ल्ड में मेरी ब्रांच हो वफ़ल 27 की, जहाँ पे भी जाओ आपको सिर्फ और सिर्फ वफ़ल 27 ही दिखना चाहिए। ऑनलाइन सेल करते हैं? हाँ, ऑनलाइन, जोमेटो एंड स्विगी पे, दोनों पे है।